सीरियल अनुपमा की कहानी सभी को खूब पसंद आती है। सीरियल की कहानी आज घर घर में काफी पॉपुलर भी है, तो वहीं सीरियल का हर एक किरदार भी अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना चुका है। वेल, सारा भाई वर्सेस सारा भाई सीरियल में मोनिशा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली आज एक बार फिर से अनुपमा के किरदार को लेकर सुर्खियों में छाई हुई है। बता दें कि काफी वक्त तक पर्दे से दूर रहने के बाद एक्ट्रेस स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में लीड किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस रूपाली गांगुली से पहले अनुपमा का ये रोल कई और जानी मानी टीवी एक्ट्रेसेस को ऑफर हो चुका है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि और किस एक्ट्रेस को ये रोल ऑफर हुआ था, तो हमारे इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नंबर 1, साक्षी तन्वर। कहानी घर घर की फेम एक्ट्रेस साक्षी तन्वर पार्वती के किरदार से काफी पॉपुलर हुई थी, और अनुपमा एक पारिवारिक शो है जिसके चलते मेकर्स को साक्षी इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट लगी थी। लेकिन साक्षी ने अपने वेब सीरीज और फिल्मों के कमिटमेंट्स के चलते अनुपमा के लीड किरदार को निभाने से साफ मना कर दिया। नंबर 2, मोना सिंह। सीरियल जैसे जैसे कोई नहीं से फेमस हुई एक्ट्रेस मोना सिंह को भी ये रोल ऑफर किया गया था, लेकिन एक्ट्रेस ने मेकर्स को इस रोल को करने से साफ मना कर दिया। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया, लेकिन खबरें ये जरूर है कि एक्ट्रेस को रोल उनकी एज से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। नंबर 3, श्वेता तिवारी। सीरियल का शॉर्टेज जिंदगी फेम एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को भी इस रोल का ऑफर दिया गया था, लेकिन अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के चलते एक्ट्रेस ने इस किरदार को निभाने से साफ मना कर दिया। बता दें कि श्वेता तिवारी आजकल खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में नजर आ रही हैं। इस शो की शूटिंग इस वक्त केप टाउन में हो रही है। नंबर 4, गौरी प्रधान। हमेशा ही टीवी सीरियल में अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस गौरी प्रधान को भी इस शो में अनुपमा का लीड किरदार निभाने का ऑफर मेकर्स ने दिया था। यहां तक कि एक्ट्रेस ने स्क्रीन टेस्ट भी दे दिया था, लेकिन कुछ वक्त बाद मेकर्स को लगा कि गौरी प्रधान इस रोल के लिए फिट नहीं है, इसलिए एक्ट्रेस को इस शो में नहीं लिया गया। नंबर 5, जूही परमार। सीरियल कुमकुम से फेमस हुई एक्ट्रेस जूही परमार को एक साथ 2 सीरियल के ऑफर मिले थे। बता दें कि एक्ट्रेस ने काफी वक्त के बाद टीवी पर डेब्यू किया है, लेकिन जब तक सीरियल अनुपमा के मेकर्स उन्हें लीड किरदार का ऑफर देते, उससे पहले ही एक्ट्रेस जी टीवी के सीरियल हमारी वाली गुड न्यूज के लिए हाँ कह चुकी थी, जिस वजह से जूही भी इस किरदार को नहीं निभा पाए। नंबर 6, श्वेता सालवे। एक्ट्रेस श्वेता सालवे को भी ये रोल ऑफर किया गया था। एक्ट्रेस ने स्क्रीन टेस्ट भी दिया और ऑडिशन भी दिया, लेकिन शो के मेकर्स राजन साही ने बताया कि एक्ट्रेस ने काफी ज्यादा फीस की डिमांड की थी जो वो नहीं दे सकते। इस वजह से श्वेता के हाथ से अनुपमा का ये लीड किरदार निकल गया। वेल दोस्तों, फाइनली राजन शाही को एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अनुपमा के किरदार में नजर आई और उन्होंने एक्ट्रेस को फाइनल कर दिया, और आज एक बार फिर से रूपाली गांगुली सीरियल में अनुपमा के किरदार से जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें कि सीरियल में एक्ट्रेस अपने इस किरदार के लिए पर एपिसोड 60,000 रुपए की फीस लेती है, तो वहीं अब दर्शकों को भी अनुपमा सीरियल में रूपाली गांगुली के इस किरदार में एकदम बेस्ट लगती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रूपाली के अलावा भी इन सभी में से कोई एक्ट्रेस अनुपमा का किरदार निभा सकती है या नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।